लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे यहाँ तो कोई सिक्योरिटी नजर ही नहीं आ रही, पुलिस के पास चलते हैं। हमारी छठी इंद्रिय ये कह रही है प्रोफेसर जी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यू मीन सिक्स सेंस? यस सिक्स सेंस। इसीलिए तो कह रहा हूँ पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ अदृश्य बनकर और देखती हूँ क्या हो रहा है। ओके, लाइए आप वो सूट मुझे दीजिए। हाँ हाँ, चलिए 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 चलते। नहीं, तुम नहीं चलोगे। क्यों नहीं? तय तो ये हुआ था कि हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रोफेसर आपने भी तो अनुमति दी थी हमें। मालूम है, लेकिन गंगाधर जी सूट एक ही है ना हमारे पास, तो फिर हम पहनते। जैसे दरअसल देवी जी देखिए, हम आपके साथ इसलिए चलना चाहते हैं कि अंदर आपके ऊपर विपत्ति आ जाए तो हम आपको बचाएंगे। आप यहाँ रहकर अपने आप को बचाइए, इतना ही काफी है। मैं चलिए अंदर। पर देवी जी, हम तो अदृश्य होकर देखना चाहते हैं। आप अदृश्य होकर क्या करोगे? आप हो या ना हो, वैसे ही आप अदृश्य हो। यू मीन हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है? घोर अपमान प्रोफेसर, घोर अपमान। होता है, हम मर्दों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसा? वह रे मर्द, दुखिया मर्द, तेरी यही कहानी, गले में टाई और आंखों में पानी। गंगाधर जी। हाँ देवी। तुम एक काम करो, तुम यही रहो और जैसे अदृश्य मानव दिखाई दे उसे पकड़ लो। ओके? जो प्रयास कर रही है देवी जी, अदृश्य आदमी हमें दिखाई भी देगा तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वो तो अदृश्य होगा ना। यही तो आपको सोचना है, पंडित गंगाधर, मायाधर, विद्याधर एंड आई डोंट नो व्हाट। सोचिए। सोचें? अच्छा सोचते हैं। अरे अरे प्रोफेसर, देवी जी गायब हो गई। अरे अरे सचमुच गायब हो गई। गायब हो गई। लेकिन उन्होंने कुछ कहा था आपसे? क्या? सोचने के लिए। हाँ, सोचने के लिए कहा था। एक बात पूछूं? ये आप सोचते कैसे हैं? मतलब सोचने के लिए तो दिमाग की जरूरत होती है। हम घुटनों के सहारे सोचते हैं। हमने तो इस पर एक पुस्तक लिख डाली है, घुटनों से कैसे सोचें। टाइटल क्या है? सोचिए घुटनों के सहारे। मैं पढ़ूंगा, फिलहाल सोचिए आप। हाँ सोचना है हमें, सोचना है प्रोफेसर। यदि हमें सोचने से आइडिया मिल गई ना, तो हम अगली पुस्तक लिखेंगे, अदृश्य आदमी को कैसे देखे। सोचने को कहा है। कमल नताशा, जल्दी करो, हमें सारा सोना लेकर यहाँ से निकलना होगा। हाँ, क्योंकि पता नहीं वो लड़की कौन थी जिसने चुपके से हमारी बातें सुन ली थी। हेलो इंस्पेक्टर कासी, मैं आज की आवाज की रिपोर्टर गीता विश्वास ट्रेजरी से बोल रही हूँ। यहाँ पर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, वे अदृश्य मानव है, इनविजिबल मैन। देखिए अगर आप सवाल ही करते रहेंगे तो वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे। हेलो हेलो गीता विश्वास। हाँ चलो।
बंधुवर, हमारी छठी इंद्रिय हमें कुछ संकेत दे रही है। यू मीन वही सिक्स सेंस? हाँ हाँ, वही वही। लेकिन क्या क्या? वो कह रही है कि देवी जी अवश्य किसी संकट में पड़ गई है। उनका विश्वास जी में आता है तुझे गोली मार दूं, लेकिन नहीं, पुलिस की जो तलवार तूने हमारे सिर पर टांग दी है, अब उसके लिए तू ही हमारी ढाल बनेगी। हाँ, और वैसे भी हमारे इनविजिबल थैले में जितना सोना इकट्ठा हुआ है उतना हमारे लिए काफी है। चलो। हाँ, चलो चलो। माय गॉड, ये पुलिस यहाँ क्यों आ गई? अवश्य हमें पकड़ने आई होगी प्रोफेसर, कई बार हमें पकड़ चुकी है। वो समझती है कि हमारी छवि कुख्यात दस्यु सुल्तान डाकू से मिलती है। हमें इससे बहुत भय लगता है प्रोफेसर, इसलिए हम खिसकते हैं यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, डरो मत, हम इन्हें बता देंगे कि तुम गंगाधर हो, डरो मत। हाँ, हम कहाँ डरते हैं, हम कहाँ डरते हैं? हाँ? हम डरते नहीं है, हमें कोई डर लगता नहीं, हमें कोई डर लगता नहीं। तुम लोग जो भी हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। मिस गीता, कहाँ है वो लोग? वो लोग यहीं पर है, इनविजिबल मैन है। दीवार बनकर खड़े हो जाओ, कोई निकल ना पाए। वरना सब मारे जाओगे। ठहरो, कोई गोली नहीं चलाएगा। चलो। ये तो माथुर है, जैसे सबका सेक्रेटरी।
बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा खून जम रहा है, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। पहले ये बताओ कि फॉर्मूला का फॉर्मूला, फॉर्मूला डॉक्टर सांबरी के पास है। डॉक्टर सांबरी,